सारौली गांव अब बनने जा रहा है हॉटस्पॉट। सारौली गांव अब डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है। BBNL ब्रॉडकास्ट सेवा विजयनगर तहसील के सारौली पंचायत में सबसे पहले एक्टिव हुई है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित है। इसे भारत में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN बनाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। नमस्कार, HBN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं सारौली ग्राम पंचायत के अंदर। यहाँ पे होने वाले BBNL प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या है ये BBNL प्रोजेक्ट, क्या उसका उद्देश्य है, कितने गांव में, कितने शहर में ये लग चुका है और इससे देश को क्या लाभ होगा। जुड़े रहे हमसे HBN न्यूज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही वायर है जो BBNL को कनेक्ट करेगा। यहाँ पे ये लोग उनके पूरे कार्य में जुड़ चुके हैं, बात करने की हम कोशिश करेंगे उनसे। सर जी, ये वायरिंग किसका हो रहा है? BBNL। सुना ऐसे BBNL का कार्य अभी चालू हो चुका है हर गांव में। हम इससे और अधिक जानकारी के लिए सर से डायरेक्ट बात करेंगे। जुड़े रहे हमसे। यहाँ पे जो हमारे सामने दिख रहा है ये BBNL जो भी प्रोजेक्ट है उसका एक सैंपल यहाँ पे लगाया गया है सारौली ग्राम पंचायत के अंदर। सर से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे इसमें क्या चीज़ कैसे कार्यरत करती है, ये उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। ये जो इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं वो BBNL की तरफ से, उस पर सबसे ऊपर दिखाया जाने वाला ये जीपॉन है जिसमें से हम पावर पंचायत को, स्कूल को, आंगनवाड़ी को, सबको देंगे। इसमें एक स्विच लगाएंगे जिसकी वजह से हम सबको पावर दे पाएंगे। अभी हाल आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लिंकिंग हो रही है जो लाइट है, वो जब पावर आएगा तो वो ब्लिंकिंग नहीं होगी, वो स्थिर हो जाएगी। ग्रीन वाली लाइट। हाँ, ग्रीन वाली। जब स्थिर हो जाएगी तो समझ लेना कि पावर यहाँ पहुंच चुका है। और ये नीचे वाला जो है उसको सिचिव बॉक्स बोलते हैं, ये कनेक्टेड होता है सोलार के साथ। इसमें पावर संग्रह होती है और पावर संग्रह होने के बाद जब लाइट नहीं होती है तो ये चिपॉन को चालू रखता है। और ये जो है इसको FTTS बॉक्स बोलते हैं। इस बॉक्स में हम पूरी केबल को बाइफरकेशन करते हैं कि कौन सी केबल कहाँ से आई है और कौन सी केबल कहाँ जाने वाली है। इसके लिए वह बॉक्स रखा गया। ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो BBNL की ओर से लगाया गया है। धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े हैं SP शाह सर जो BBNL के बारे में हमको विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं उनसे BBNL प्रोजेक्ट क्या है, उसके कार्य क्या हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये BBNL CSC वाईफाई जो प्रोग्राम चल रहा है तो इसके बारे में जरा विस्तार से बताएंगे सर। CSC वाईफाई प्रोजेक्ट भारत सरकार के BBNL कंपनी के साथ जोड़ के फाइबर टू होम पूरे भारत में हर ग्राम पंचायत में मुफ्त में दिया जाने वाला, इंटरनेट कनेक्शन के लिए चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है जिसको हम CSC वाईफाई प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। कितने गांवों में सर ये कार्यरत हो चुका है? खेडरुम्मा, पोशीना और विजयनगर, इन तीन तालुकों में खेडरुम्मा की लगभग सभी पंचायतें हमने कवर कर दी हैं। पोशीना तहसील की लगभग 50% पंचायतें हमने कवर कर दी हैं और विजयनगर में हमने 4-5 पंचायत में पावर पहुंचा दिया है। आज हम सारौली पंचायत को पावर देने वाले हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं सर जो इसके साथ जुड़ी जा सकती है? जो संस्थाएं गुजरात सरकार की हैं, भारत सरकार की हैं, जैसे कि स्कूल हैं, हेल्थ सेंटर हैं, आंगनवाड़ी हैं, जो सस्ता अनाज की दुकान जिसे फेयर प्राइस शॉप बोला जाता है, वो सब इसके साथ जुड़े जाते हैं। उनको इंटरनेट की जरूरत होती है। विजयनगर में सर ये कार्य कहाँ तक पहुँचा है? विजयनगर में, हालांकि विजयनगर पूरा माउंटेन एरिया है, यहाँ पर फाइबर बहुत सारी डैमेज हो गई थी इसलिए थोड़ा डिले हुआ है। फिर भी विजयनगर में 3-4 पंचायतों में हमने पावर पहुँचा दिया है और लास्ट मंथ आने वाले महीने के अंत तक हम पूरे विजयनगर में इस कार्य को पूर्ण करने वाले हैं। ये वाईफाई FTTH है सर, इसकी स्पीड क्या रहेगी? वाईफाई FTTH की जो स्पीड है वो गवर्नमेंट की ओर से हमें 4 MBPS की दी गई है। मान लीजिए कि हर पंचायत में जहां भी हम इसका कनेक्शन देंगे उसको मिनिमम 4 MBPS की स्पीड देंगे। यहाँ पे एक चीज और थी सर कि वाईफाई हॉटस्पॉट लगेगा, ये बातचीत थी, तो ये हॉटस्पॉट कब लगेगा सर? गवर्नमेंट की ओर से उसकी तैयारी पुरजोश में हो गई है। साबरकांठा में इसके लिए जो आदमी को टेंडर दिया गया है वो एक बार मुलाकात भी ले गए हैं और नजदीक के दिनों में वो पूरी पंचायतों में हॉटस्पॉट के वो टावर लगा देंगे। इस स्कीम से सर VLE को क्या फायदा होगा? जो गांव पंचायत में जो VLE होगा उनको अच्छी स्पीड मिलेगी जिसकी वजह से वो जो भी काम है, जैसे कि डिजिटल गुजरात के अंदर अभी सरकार ने बहुत सारे नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है कि नोटरी वगैरह वो अब पंचायत में ही होंगे, तो स्पीड की वजह से वो अच्छी तरह से काम कर पाएंगे और उसका लाभ हर गांव के लोगों को मिलेगा।
ये कार्य तो सर बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी इसकी स्पीड लिमिट जो है डिले हो रहा है, उसके बारे में क्या आप बताओगे सर? डिले होने का कोई और कोई चांस था नहीं, मगर जो फाइबर है वो फाइबर का जो मेंटेनेंस पहले बहुत अच्छी तरह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से फाइबर बहुत डैमेज हो गई। अब जब फाइबर नई आने वाली है तब ओवरहेड करके हम टेम्पररी फाइबर डाल के हर पंचायत को लाइव करने वाले हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू। प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने अब होने जा रहे हैं साकार। हर गांव बनेगा डिजिटल, देश का होगा संपूर्ण विकास। अभी हम BBNL के बारे में हमने जाना। हमारी टीम हर्षद भुद्रा, राहुल शाह के साथ संवाददाता भरत मोड़िया, HBN न्यूज, साबरकांठा, गुजरात। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज़।